say WhatsApp. मैंने देखा कि आप लोग सब घर पे बहुत मस्ती कर रहे हो. कोई ब्राउनी बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है, और कोई जो है कोई बॉय वो गर्ल बन के अपनी पिक्चर ले रहा है ना. तो ये सारी मस्ती में आप लोग कुछ पढ़ाई की बात करते हो, कभी कुछ ABCD 1 2 3 ये वाली एक्टिविटी कुछ करते हो. चलो आज मैम के साथ करेंगे, जिसमें आपकी फन एक्टिविटी भी आएगी. पेंटिंग पसंद है ना आप सबको, तो पेंट्स और ABC कैसा लगा ये आइडिया, शुरू करें. चल आज हम सीखने जा, देखो ये क्या किया ना ने? ये क्या है, ये है रेड लाइन, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन. 1 2 3 4 लाइंस है ना, और हमारी जो इंग्लिश लेटर्स है वो ये 4 लाइंस में हमें लिखने होते हैं. कोई लेटर जो है वो रेड लाइन, ब्लू लाइन और ब्लू लाइन को टच करते हैं. अब कोई लेटर्स सिर्फ ये 2 ब्लू लाइंस के बीच में होते हैं, और कोई कोई लेटर्स ब्लू ब्लू और नीचे वाली रेड लाइन को टच करते हैं, है ना. तो हम सीखने जा रहे हैं आज वो सारे लेटर्स जो सिर्फ ब्लू लाइंस के बीच में आते हैं. दोनों ब्लू लाइन को टच करते हैं, एक भी रेड लाइन को टच नहीं करते. शुरू करें, चलो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं सिंपल सा लेटर, सबसे सिंपल. ठीक है, अब कुछ दूसरा लिखे. ये है ना, ये जो भी मैम जिस फॉर्मेशन में लिख रहे हैं ना, आपको भी वैसे ही लिखना है. अब हम लिखने जा रहे हैं ए. ए सेज आ, आ. तो हम उसके लिए पता है क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले सी लिखेंगे और फिर हमारा हाथ नहीं उठाना है. वी डोंट हैव टू लिफ्ट आवर हैंड्स. Keep your hands there only. Come up, 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 up. Touch the blue line again and then go down and touch the lower blue line. And, and, apple, apricot, aeroplane. सब हम पे इसमें यहाँ पे लिख दिया सबका ए. ठीक है, याद रखोगे ना. सी बना के ऊपर आके नीचे जाना है, बीच में हाथ नहीं उठाना है. डोंट लिफ्ट हैंड इन बिटवीन, पूरा खत्म करके ही हाथ उठाना है. वापिस देखें ऐसे, सी कम अप गो डाउन, नाउ लिफ्ट योर हैंड. चलो नेक्स्ट सीखते हैं. अब हम सीखने जा रहे हैं एकदम सिंपल वाला, जो हम मिडल से शुरू करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम मिडल हियर, टेक अ सिंपल स्लीपिंग लाइन, कम अप, टच द ब्लू लाइन एंड अगेन मेक द कर्व लाइक सी. ये क्या बन गया, ई. ई सेज एज इन एलिफेंट, एज इन एग, एज इन एस्किमो, है ना. चल अभी हम नेक्स्ट सीखते हैं. ये भी बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्लू लाइन, अपर ब्लू लाइन, गो डाउन, टच द लोअर ब्लू लाइन एंड लेफ्ट हैंड एंड
put a small little dot here. What is this? Yes, it's an I. I says E, E, E. E as in ink pot. E as in igloo. E as in in. Yes. Okay, jump. We'll take another sheet and we'll learn further. Ab hum sikhne ja rahe hain to say interesting letters. Okay. Ye hum start karenge from blue line, upper blue line. We make up standing line. And don't lift your hand up. Come on the same line. Take a half jump. What have you made? This is an R. R for rat. R for reddish. Aur kya hota hai rose? Socho. Socho, socho, socho. R for ribbon. Hai na? Aur soch soch ke batana. Mama ko, papa ko. ठीक है चलो अभी हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं उसको भी हमें ऐसे ही एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ब्लू लाइन को टच होते ही फिर से ऊपर आना है और एक जंप करना है इस बार पूरा जंप लेके हम नीचे ब्लू लाइन पे फिर से पहुंच गए और ये क्या बन गया दिस इज एन 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 फॉर एन फॉर निवान है ना एन फॉर निशी मैम और कौन कौन है एन से निवान निशी मैम राइट और क्या होता है एन से नींबू पानी होता है ओके चलो अभी आगे सीखते हैं चलो अभी हम करेंगे एक और स्टैंडिंग लाइन और फिर से एक जंप लेंगे और अभी हाथ नहीं उठाएंगे और एक जंप लेंगे ये क्या बन गया दिस इज एन एम एम फॉर मंकी एम सेज एम फॉर मंकी एम फॉर मून एम फॉर मस्टर्ड M for mouse. ठीक है और आप बहुत सारा याद करना है M से क्या क्या होता है ओके और M says हमको कुछ खाना टेस्टी लगता तो हम क्या बोलते हैं बोलते हैं ना ओके चल आगे सीखने जा रहे हैं हम मस्त है ये तो इतना मजेदार लगता है इसको बनाने में तो हम है ना सी बनाएंगे सी 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 और सी को और भी हम रबा कर करके वापिस से ऊपर आ जाएंगे अरे ये तो ओ बन गया पूरा एक राउंड बना देते हैं तो कौन सा लेटर बन जाता है ओ ओ ओ ऑरेंज ओ ओ ऑक्टोपस ओ से और क्या होता है आउल ऑस्ट्रिच ओके और सोचना चलो अभी हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं U
says up, 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 umbrella, है ना? Okay, चलो अभी हम सीखने जा रहे हैं के बाद में एक slanting line और फिर से ऊपर आने के लिए slanting line. ये क्या है? V, W, W, violin, W, 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 violet, है ना? और W, W, Viana, W, W, Viana. Okay. अच्छा अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? अभी हम सीखने जा रहे हैं. ये देखिए ये क्या सीखने जा रहे हैं. ये अभी हमने वो बनाया था ना, एक और बना देंगे ऐसे ही. तो क्या बन गया? वाह, W, W for watermelon, W for water, W for walrus, है ना? अब क्या सीखेंगे हम? अच्छा अब जो हम लेटर सीखने जा रहे हैं ना, उसके बीच में हमें एक बार हाथ उठाना पड़ेगा, है ना? पूरा लेटर कंप्लीट हम एक बार में नहीं कर पाएंगे. कौन सा है वो लेटर? ये देखिए, X, है ना? इसको तो हम क्रॉस करना पड़ता है ना, तो हमें दो बार हाथ उठाना पड़ता, मतलब एक बार ये हमने लिखा, फिर हमने उठा के फिर से लिखा, है ना? ओके, अब क्या हो गया? अब क्या बाकी रहा? अब बाकी रहा Z. Z for zebra, है ना? Z for zip, Z for zoo, okay. अभी क्या-क्या सीखा आज हमने? कितने letters सीखे? Let's see. C says k, k. A says a, a. E says I says E, E. R says R. R says R. N says M. M says M. O says O. S says s, U says up, up, V says wop, wop, W says wah, wah, X says x, Z says ब्रश लेके आप भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. सी यू टुमारो.